enforcement of the rights of intersex people. It seems that intersex people were excluded from the process of debating this law, and during these proceedings, let me share one of my observations, that some representatives of intersex people have come to the court, and they, in the last hearing, they raised this issue that this law has rendered them, has actually carried their cause. Is that true? Because the court asked how. So ये सारी चीजें जो हैं कुछ इसको रोशनी डालिए आपका क्रिटिसिज्म क्या है इस कानून पर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं किस तरह से और रूल्स के मुतालिक भी कुछ बात करें कि रूल्स ने किस तरह से इस एक्ट की जो स्पिरिट थी उसको दफना दिया है सो प्लीज स्टार्ट थैंक यू असर देन थैंक यू एवरीवन डेढ़ घंटा हो गया है आप सब सुन रहे हैं कुछ लोग सो रहे हैं उनको उठाने के लिए आई वांटेड कि मेरी बात का आवाज कुछ सवालात से करूं कानून के बारे में मैं थोड़ा तफसील में जाऊंगी क्योंकि महलब ने उनकी तारीफ बताई कानून की सोनिया जी ने उसके पीछे जो स्ट्रगल है ट्रांस लोगों की उसके बारे में बात की जैफ ने बताया अमरीका में क्या हो रहा है भारत में क्या हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में कई महीनों से इस पर एक बहुत हीटेड डिबेट चल रही है आप सब नौजवान हैं आप लोग सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते होंगे आपने क्या सुना है इस कानून के बारे में आपका क्या ख्याल है ये कानून क्या इंट्रोड्यूस करता है पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक की कोई वीडियोस ये ब्लॉगर्स वी ब्लॉगर्स सॉरी की वीडियोस देखी होंगी आपने yes. तो क्या वो क्या बताते हैं इस कानून में क्या है अभी तक तो जो ऐसे हमने सुना पढ़ा तो वो तो एक अलग से पर्सपेक्टिव है वो तो बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा नहीं था लेकिन जो सुनने में जो चीजें आई हैं पिछले 3-4 माह में उसमें तो बड़ा अजीब अजीब सी बातें जैसे क्या इंटरसेक्स इसमें जनाब मर्द जो है वो मर्द से शादी करेगा और औरत से शादी करेगी तो पाकिस्तान में इस तरह का एक जो है ना ये सिस्टम शुरू हो जाएगा तो ये बातें तो 3-4 माह से बिल्कुल सुन रहे हैं ये सेम सेक्स मैरिज ठीक है और कुछ इस कानून के बारे में और जिस तरह सर अतुल साहब ने भी एक क्वेश्चन रेज किया कि इसमें ये बात सुनने में आती है कि जो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में डिफरेंस हुआ है ट्रांसजेंडर्स के हकूक को ज्यादा जाहिर किया गया और इंटरसेक्स जो बायोलॉजिकली है उनके हकूक को रिप्रेस किया गया तो ये चीज भी सुनने में काफी ज्यादा मिलती आप लोग क्या देखते हैं यूट्यूब पे कोई भी इंसान इसका एडिट कर पहले कि उस पे उसका जेंडर जो है डिफाइंड है वो अपना जेंडर जो आपके चेंज करवा लेगा कि मुझे ये लग रहा है कि मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ तो इस पे भी काफी ज्यादा कि ऐसे तो कोई भी लड़का जाके अपना वो कहेगा कि मैं लड़की हूँ और मैं कितने लोगों ने ऐसे जाके कहा मैं तो मर्द हूँ मैं तो औरत हूँ और अपना जेंडर बदल लिया आधी कार्ड पे और शादी कर ली उन्होंने यही कहा कि इस कानून के आने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से ये आना शुरू होगा अच्छा ठीक है अच्छा इन पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ इन सब जो एतराज उठ रहे हैं कानून के बारे में पहले तो ये जो नंबर्स उन्होंने दिए नादरा से जब पूछा गया उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये तो क्लेरिकल मिस्टेक्स थी कि आप जब जाते हैं बे फॉर्म बनाने उसके बाद आईडी कार्ड बनाने वहाँ पे क्लेरिकल मिस्टेक हो गई मर्द को औरत को मर्द कर दिया तो हमने उनको बस करेक्ट किया ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रांस शख्स हमारे पास आया और उन्होंने कहा हमारे जेंडर में जेंडर मार्कर्स को तब्दील करते हैं तो उन्होंने झूठे फिगर्स लेके उस पर ये पूरा बनाया कि कुछ 7,000-6,000 इस तरह लोगों ने अपना जेंडर मार्कर तब्दील किया शाज़ीब खानज़ादा साहब के शो पे नादरा की उन्होंने एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन भी डिस्कस की जिसमें उन्होंने कहा ये क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं पहली बात ये दूसरी ये पूरा जो कानून है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट इसमें शादी का कहीं जिक्र नहीं है इसमें सेम सेक्स रिलेशंस का कहीं जिक्र नहीं है ये सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों की बात करते हैं और ये अच्छा सवाल है और मेरी नज़र में ये बिल्कुल परफेक्ट कानून नहीं है कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता
इसमें बेहतरी लाई जा सकती है कैसे? इसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें उन्होंने कहा है ट्रांसजेंडर पर्सन, मेरी नज़र में वो इलस्ट्रेटिव है कि कोई इंटरसेक्स पर्सन, जैसे सोनिया जी ने बात की, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ उनके जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेल फीमेल नहीं होते, वो इंटरसेक्स की बहुत वैरायटीज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, वो हो सकते हैं। अब इंटरसेक्स शख्स ही अपने आप को इंटरसेक्स भी कह सकता है, कह सकते हैं, वो अपने आप को मर्द भी कह सकते हैं, औरत भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर। तो इंटरसेक्स जो है वो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, सोनिया जी ने जो कहा आपकी टांगों के बीच में क्या है। जेंडर क्या है उन्होंने जैसे बताया, वो आपकी सोच, आपकी रूह, आपके ख्यालात, आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में। तो ट्रांसजेंडर की एक सब कैटेगरी हो सकती है ऐसे लोग जो इंटरसेक्स हो लेकिन ट्रांस हो, लेकिन सब इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर नहीं होते। ये ICJ पेपर में हमने इस पे बात की, क्योंकि दुनिया में एक और चीज़ देखी जा रही है, खासतौर से भारत में इसमें ज्यूरिसप्रूडेंस भी है कि इंटरसेक्स बच्चे जो पैदा होते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, वो अगर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो उन पे बहुत क्रूअल सर्जरीज की जाती हैं, ऑपरेशन किया जाता है बच्चों पे, बेबीज पे, जो जिंदगी भर के लिए उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली। और ये ज़रूरी नहीं है, इसको अब माना जा रहा है कि ये तशद्दुद है। भारत में कुछ हाई कोर्ट्स ने इस पे जजमेंट्स भी दी, प्रोहिबिट किया कि ऐसी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए, ये इंटरसेक्स बच्चों के साथ जुल्म है। और हम पाकिस्तान में देखते हैं टीवी पे एड्स आते हैं, आपके बच्चे को हम मर्द बना देंगे, औरत बना देंगे, या देखते हैं लोग इसको प्राउडली कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, लेट देम ग्रो अप, सी उनकी क्या, वो किस जेंडर को अपनाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनकी कंसेंट के साथ आप प्रोसीजर्स करें, अनलेस जिंदगी मौत का इशू हो या उनकी सेहत के लिए लाजम हो कि कुछ ऑपरेशन या सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर्स की जरूरत हो। वरना कुछ ऐसे बच्चे हैं जिंदगी भर के लिए, हमारे यहाँ कुछ साथी बैठे बैठे हैं, वो भी बताते हैं उनकी फैमिलीज में, दोस्तों में किस किस तरह के मुजालिम होते हैं इंटरसेक्स बच्चों के साथ। मेरी नज़र में इस कानून में ये पहलू जो है ये मिसिंग है। अच्छा, कानून कहता क्या, आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ। आपने, मुझे तो याद है स्कूल में हमें तो बताया गया कि सेक्स और जेंडर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेक्स और जेंडर एक ही हैं? स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कभी आपने सोचा कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है? क्या क्या डिफरेंस? जेंडर तो हम खुद परसीव करते हैं ना, लेकिन सेक्स जब हम पैदा होते हैं तो वो नेचुरली हमें मिलता है, जेंडर हम खुद परसीव करते हैं कि हम क्या हैं। एक्सीलेंट, आपने तो बिल्कुल जो कानून में डेफिनेशन है उसको उसकी बात कर दी, कॉमन सेंसिकल है। अगर हम एक्चुअली इसको सोचें, हमारी जो प्रेजुडिसेस है, बायस है, जो हमें बताया गया है, प्रोपेगेंडा फीड किया गया है, अगर हम उसको इग्नोर करें और अपने दिल की आवाज़ सुनें, तो हम सबको ये मालूम है कि आपके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके जेंडर से हमेशा वैसे नहीं होते, सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो आप सिस जेंडर हो, अगर मुख्तलिफ हो तो आप ट्रांसजेंडर हो। ज़रूरी भी नहीं है कि आप, मैं अपने आप को कहती हूँ मैं औरत हूँ, मैं तो नहीं कहती मैं सिस जेंडर हूँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई ट्रांसजेंडर हो वो कहे मैं ट्रांसजेंडर। ये भी ज्यादती है, आपका जेंडर जो आप परसीव करते हो मर्द है औरत है, आपको उसी को उसी वही आपकी पहचान है। अब फॉर एग्जाम्पल, इस कानून में बताया गया है जेंडर आइडेंटिटी यही है, आपका इनर मोस्ट फीलिंग कि आप क्या समझते हैं आपका जेंडर क्या है। और उसके साथ एक और अहम चीज़ है, और ये आपको वो शख्स ही बता सकता है कि उनका जेंडर, उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। कभी कभी हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम सब इंसान हैं, हम किसी को देखते हैं, अक्सर हमारी ट्रेनिंग ऐसे है, हम नहीं देखते वो इंसान है, हम पहले देखते हैं मर्द है औरत है, ख्वाजा सराय कौन है। तो उसमें आ जाता है जेंडर एक्सप्रेशन, ये भी कानून में डिफाइन किया गया है कि जेंडर एक्सप्रेशन जो दुनिया को नज़र आ रहा है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल लंबे बाल हैं, अक्सर ख्वातीन के लंबे बाल होते हैं, मेरा लिबास कैसा है, मेरी आवाज़ कैसी है, मैं बात कैसे कर रही हूँ, ये जेंडर एक्सप्रेशन में आ जाता है। ठीक है,
तो ये कानून में चीजें डिफाइन की गई है। फिर सबसे अहम डेफिनेशन, अब देखिए मेहलम ने जो बात की, सोनिया जी ने जो बात की, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज, कानून में एक डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है जो मुखिया है या जो कानून के साथ काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कानून रिलाय करता है डेफिनेशन पे, तो किसी ना किसी तरह आपको एक डेफिनेशन तो देनी है। तो ट्रांसजेंडर शख्स कौन है? अर्जेंटीना मेरा ख्याल है वो पहला मुल्क था जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन, खासतौर पर लीगल जेंडर रिकग्निशन, उस पर कानून साजी हुई। माल्टा, बरतानिया, अमरीका तो बहुत पीछे है, बाकी दुनिया बहुत आगे जा रही है और उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की मिसालें दी जाती हैं अक़वामे मुत्तहिदा में, भारत में, अमरीका में, बरतानिया में, कि पाकिस्तान ने कितना प्रोग्रेसिव इंसानी हकूक से कंसिस्टेंट कानून पास किया है। और हमें बताया जाता है कि आप तो अमरीका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर काम कोई किसी के एजेंडा पे कर रहा है, शायद वो हमारे एजेंडा पे काम कर रहे हैं, हम उनके एजेंडा पे नहीं कर रहे। बात हो रही थी सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी में ही सर कि डीकॉलोनाइज करना है, ये सेडिशन के कवानीन, ये बाकी, ये हम क्यों नहीं करते, हम आज़ाद मुल्क हैं। और उसके फौरन बाद ट्रांसजेंडर पर्सन की जब बात आती है तो वो वापस हमें कलोनियल एरा में धकेलना चाहते हैं, जबकि यहाँ हमारी पार्लियामान ने एक्टिविस्ट के साथ मिलकर एक इंडिजिनस मूवमेंट स्ट्रगल के बाद एक ऐसा कानून पास किया जो दुनिया फॉलो कर रही है। अच्छा, ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है, कोई बता सकता है? हमने जेंडर की बात की, ट्रांसजेंडर पर्सन की क्या सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए अगर आपने डिफाइन करना? मींस एनी पर्सन हु डेविएट्स फ्रॉम इट्स सेक्स, लाइक उसका जेंडर चेंज और है लेकिन उसका सेक्स और है, तो वो ट्रांस में चला जाता है, वो सिसजेंडर नहीं है। बिल्कुल, यही कानून में भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांसजेंडर शख्स वो ट्रांस मैन हो सकता है, ट्रांस वुमन हो सकती है। अब ख्वाजा सिरा कम्युनिटी पाकिस्तान में एक तरह की एक मुख्तलिफ कल्चर है, वो एक मुख्तलिफ जेंडर नहीं है, ना ही वो मुख्तलिफ सेक्स है, वो एक कल्चर है। ट्रांस लोगों में ही एक कम्युनिटी है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, कुछ तारीख है, उसको ख्वाजा सिरा कल्चर कहते हैं। लेकिन ट्रांस मैन ट्रांस वुमन वही जिनके, और वो इंटरसेक्स लोग भी हो सकते हैं जिनका जो, और जब आप पैदा होते हैं आपको जो सेक्स असाइन किया जाता है आपका जेंडर उससे मुख्तलिफ है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैंने जेंडर एक्सप्रेशन की बात इसलिए की क्योंकि हम लोगों का आईडी कार्ड तो चेक नहीं करते, हम ना ही उनसे पूछते हैं आपका जेंडर क्या है, हम अक्सर उनके एक्सप्रेशन, वो दिखते कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन दैट हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, है ना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग, मैं तो ये अपनी तरफ एडमिट करूंगी कि मैंने इस काम से पहले जब मेरी ख्वाजा सिरा अफराध ट्रांस अफराध से ज़्यादा इंटरेक्शन हुई, उनके साथ उठना बैठना हुआ, उससे पहले शायद कुछ क्यूरियोसिटी, शायद कुछ जजमेंट मुझ में भी थी। जब मैं देखती थी एक ख्वाजा सिरा शख्स को तो मैं कहती थी ये कैसे कपड़े हैं, ये कैसा होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप एक्सप्रेशन की बेसिस पे करते हैं और इस कानून ने ये कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी की जेंडर आइडेंटिटी या उनके एक्सप्रेशन की बेसिस पे। अब इस पे जो लोग कहते हैं कि आप आईडी, इससे आपका आईडी कार्ड भी क्या है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस कानून में अक्सर ऐसे हकूक है जो हर पाकिस्तानी शहरी के हैं, वो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर अफराद को अफर्म किया गया है कि उनके भी वही हकूक है। क्यों ये ज़रूरी था? क्योंकि तारीख ये दिखाती है कि उन्हें वो हकूक नहीं मिले, उन्हें एक सिटीजन नहीं समझा गया, उन्हें एक सेकेंड क्लास सिटीजन समझा गया हमेशा। सो इसकी ज़रूरत थी तालीम, सेहत, वोट, पब्लिक प्लेसेस, वो सब जो हमारा आइन हर पाकिस्तानी शहरी को हक देता है, वो ट्रांस लोगों के भी हकूक है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, आप हरासा नहीं कर सकते, इसकी बात आती है रियासत पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कानून में जिनका जिक्र है। अब हम सब जो हैं हमारा एक हक है, अब इसको आप हकूक के ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में देखें कि आपका हक है कि आप आईडी कार्ड बनाएं। बहुत से और हकूक जो आपको मिलते हैं वो आपके आईडी कार्ड से जुड़े हैं, ठीक है। अब एक ट्रांस शख्स आपने डिफाइन किया, ट्रांस शख्स वो है जिनका जब जो सेक्स एट बर्थ असाइन होता है उनका जेंडर उससे मुख्तलिफ है।
अब एक ट्रांस शख्स का आईडी कार्ड किस तरह बनना चाहिए, उस पे जेंडर मार्कर क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, एक ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क से आप क्या तजवीज करेंगे? सुबह मुझे ना मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो इस तरह के होते हैं जो खुद को खुद कर लेते हैं जानबूझ के, मैंने फिर उसको आगे से कॉन्ट्रा क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार आप औरत बनना चाहोगे तो कहता मैं फिर बनना चाहूंगी, तो मैंने कहा फिर सेम उन्हीं का भी यही सोचे ना आप, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब एक बंदा खुद परसीव कर लेता है, वो खुद समझता है कि मैं उनकी बात पे की बेसिस पे उनका जेंडर मार्कर होना चाहिए, एनीवन एल्स? और अगर कोई अग्री नहीं करता प्लीज आप भी सवाल करें, अपना ओपिनियन दें, जरूरी नहीं है हम सब एक ही तरह सोचे इसके बारे में, इस पे पूरी दुनिया में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, कुछ सही गलत नहीं है। आपकी तजवीज क्या है, फिर क्या होना चाहिए? Basically, there are three genders. Okay. Male, female, and gender X. Okay. What is gender X? I just think that it's the transgender. Mm-hmm. What okay. I have read is, obviously, can be changed. Okay. इस पे बात करते हैं थोड़ा सा in like few minutes. ठीक है? It's a very good question. Very very good question. इस पे आते हैं. Anyone else? कि how should your gender marker, रियासत किस तरह decide करे कि क्या gender marker किसको assign करना है? वैसे कुछ ममालिक हैं, some countries in the world are just getting rid of gender markers. आपका nationality क्या है, आपका नाम क्या है, आप वो M, F, X के चक्कर में ही नहीं पड़ रहे हैं. Lot of countries are going that way as well. But अगर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, तो किस basis पे gender marker decide होना चाहिए? Why should state be bothered about? Wait, that's what they say. Just like in 1992, some people wanted religion on our ID card. Some of us, who does that? That's nothing to do with the religion. I think same thing with that. It should be personal choice. Personal choice and self-declaration. It should not be declared. It should not be mandated. Inheritance may hoga na. Shadi mein. बिल्कुल सही बात है. I that's also a perspective. Thank you. What perspective? I wanted to ask. कोई इनको जस्टिस रिस्पेक्ट डिग्निटी से एसोसिएट नहीं करता कम्युनिटी में, बहुत कम लोग करते. That was the primary response. But मैं भी थोड़ा सा legal gender recognition पे आना चाहती हूँ, फिर मैं complaint mechanisms करके I'll close this and we can move to discussion. ये सब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह होना चाहिए. इस पर जब कानून पे बात हो रही थी तो महिला ने की और हमने देखा इस पर डिस्कशन हो रही थी. पाकिस्तान ने सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिफिकेशन कानून में डाला. इसका मतलब ये है कि आप जो कहेंगे आपका जेंडर वही है. ये किसी जज का काम नहीं है, किसी डॉक्टर का काम नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है. आपका सेल्फ परसीव जेंडर क्या है ये सिर्फ आप बता सकते हैं. ठीक है? अब इस पे इस चीज पे इश्यू आ रहा है, लेकिन जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं वो ये नहीं जानते या शायद वो इग्नोर कर रहे हैं कि इस कानून के बाद जो रूल्स बने उसमें ये उन्होंने डाला कि आप सेल्फ परसीव जो आपका जेंडर है वो सिर्फ एक्स जेंडर मार्कर कर सकते हैं. तो अगर आप ट्रांस मैन हैं या ट्रांस वुमन हैं, आपका जेंडर मार्कर सिर्फ एक्स सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे हो सकता है.
मेरी नज़र में ये कानून के खिलाफ रूल है, क्योंकि कानून तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं डालता, लेकिन रूल्स ने इसको लिमिट कर दिया है सिर्फ एक्स जेंडर वर्कर के लिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि शादियां जो हैं वो कर लेंगे, अब आपका कानून, अगर हमने इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांस अफराद का लीगल फ्रेमवर्क देखना है तो हमने आईन देखना है, कानून देखना है, रूल्स देखना है। इस वक्त जो रूल्स इन ऑपरेशन हैं वो ये नहीं इजाज़त देते कि आप एम से एफ या एफ से एम करवा सकें सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे। मेरी नज़र में अगेन ये कानून के ख़िलाफ़ है, और अगर इसको चैलेंज किया जाए और एक आज़ाद इम्पार्शल बेंच बैठे तो वो कहेगा ये रूल जो बुनियादी कानून है पेरेंट एक्ट है उसके खिलाफ है, लेकिन इस वक्त हमारा लीगल फ्रेमवर्क यही है। अच्छा, ये और ममालिक भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप सोचिए, अब मैं आइडेंटिफाई करती हूँ एज अ वुमन, अगर मैंने आज भी अपना आईडी कार्ड बनाना हो, मैं जाऊंगी, कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि आप मेडिकल करवा के आए, वो मेरी बात सुनेंगे। इसी तरह वजाहत साहब, आप अगर आज आईडी कार्ड बनाने जाएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप टेस्ट करवा के आए, आपका भी वैसे वो आपसे उनका वो सिसजेंडर मर्द खवातीन जो है उनका नहीं, उनका ट्रांस अपराध पे वो है कि नहीं, मर्द औरत असली मर्द असली औरत पे उनकी तनकीद नहीं है, ये जो ख्वाजा सरा है ट्रांस अपराध है वो मेडिकल टेस्ट करवा के लाए। तो जो पूरी मेहनत ने प्रोफेसर जेफ रेडिंग ने सोनिया जी ने स्ट्रगल्स का हवाला दिया, जो ट्रांस अपराध की है जो कई दहाइयों से सेंचुरी से चल रही है हमारे खित्ते में, उन्होंने उसको इरेज करना चाह रहे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बहरूपी है, ये एजेंडा है। अच्छा, तो हमारा कानून ये लीगल जेंडर रिकग्निशन की बात करता है। लीगल जेंडर रिकग्निशन अब जरूरी नहीं है हर ट्रांस शख्स अपना आईडी कार्ड चेंज करवाना चाहे, ये उनका हक होना चाहिए, वरना उनकी मर्जी। लेकिन अब आप खुद सोचिए, आपकी शक्ल, आपने अपनी अपने आप को जिस तरह सोचते हैं परसीव करते हैं वो आपके आईडी के साथ कार्ड के साथ मैच ना करे, आपको कैसा लगे? आप यूनिवर्सिटी जाए वो आपका हर जगह आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन आपकी शक्ल उस आईडी कार्ड पे जिस शख्स की शक्ल है उससे मैच ना करे, आपने अपने नाम जो अपने आप को दिया है वो आईडी कार्ड पे मैच ना करे, जो जेंडर आप परसीव करते हैं वो आईडी कार्ड पे ना हो, कि आपके साथ जुड़ नहीं है, आप काम के लिए जाएं, आप यूनिवर्सिटी जाएं, हर जगह। सो इसको एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि ये एक शख्स की प्राइवेसी लिबर्टी उसके खिलाफ है कि उनका आईडी कार्ड वो रिफ्लेक्ट ना करे जो वो हैं। अब अगर आप बेहतर सिस्टम, आपका जो सवाल था कि फीलिंग्स तो बदल जाती हैं, अब मैं महिला को सोनिया जी से कहूँगी वो उसका जवाब दें, क्योंकि ये थोड़ी एक ज़्यादा लंबी बहस है, पूरी दुनिया में हुई है, मेरा पहले लेजिटिमेट सवाल है। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस साल जाके फंक्शन हुआ है, पिछले साल पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद कई साल उस पर कॉन्ट्रोवर्सी रही, उन्होंने लोग ही नहीं अपॉइंट किए जब पिछलों की टर्म खत्म हुई। नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, अभी भी उनके पास कोई फुल टर्म टीम नहीं है फुल टाइम। उनसे हमने पूछा, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई ट्रांसजेंडर कानून के तहत, उन्होंने कहा जीरो। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूछा, उन्होंने कहा जीरो। ऑम्बुड्स पर्सन के ऑफिस से पूछा, वो खुद एक्चुअली उनकी जो एक है रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांस पीपल एंड चिल्ड्रन, वो खुद बहुत दिलचस्पी लेती हैं, तो उनके पास कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन शायद नॉट अंडर द एक्ट एज सच। तो आप खुद सोचिए, आपने एक कानून बनाया, उसमें भरपूर आपने राइट्स ऑब्लिगेशंस दे दी, लेकिन जो आपने कंप्लेंट मैकेनिज्म्स बनाए, एक भी कुछ महीने पहले ही फंक्शनल हुआ है, दूसरा फंक्शनल ही नहीं है, तीसरा वफाकी ऑम्बुड्स पर्सन का ऑफिस है जिनकी ज्यूरिस्डिक्शन बहुत महदूद है, वो हुकूमत के ऑफिशियल जो होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, वो प्राइवेट लोगों के बीच में नहीं उनके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकते। तो आपने अब इस पर बहस होनी चाहिए थी ना कि आप इस कानून को बेहतर किस तरह करें, अभी जब प्रोविंशियल लॉज पास हो रहे हैं, एक फेडरल लॉ है, प्रोविंशियल लॉज ही नहीं है, बहुत से जो चीज़ें जिस पे कानून बात करता है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड आई विल कंक्लूड हियर
ये कानून परफेक्ट नहीं था, इसमें बहुत मिसाइल थे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ये तब बना जब प्रोपेगेंडा किया गया और फियर पे, झूठ पे मबनी एक बयानिया बनाया गया जस्ट टू टर्न पीपल अगेंस्ट नॉट जस्ट द लॉ, अगेंस्ट द ट्रांस कम्युनिटी. और ये आज क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में हमने देखा है ट्रांस लोग नजर आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर पब्लिक डोमेन, चाहे आपके यूट्यूबर्स हो, चाहे आपके टीवी पे एंकर्स हो, मॉडल्स हो, आपके यूएन रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशंस का हिस्सा हो. और वही अब चीज है कि शायद कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रांस अपराध ट्रैफिक पे सिग्नल्स पे ही आपको नजर आए, वो इम्पावर्ड ना हो. सो ये एक वजह हो सकती है उस एंजाइटी की कि क्यों हमें नजर आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में. थैंक यू.